नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एफसीए यूनिट के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है एफसीए यूनिट जो है इंस्टॉल है और प्लास्टिक कवर वगैरह लगा हुआ है। जब भी आप इस तरह का एचपीसी का काम कीजिएगा तो प्लास्टिक कवर वगैरह लगा कर रखिएगा ताकि आपका गंदा डस्ट वगैरह उसमें ज़्यादा ना पड़े, इसलिए कवर वगैरह लगा कर रखते हैं। ये जो है इधर से आपका फिल्टर का है और आगे तरफ जो है डक्ट इंस्टॉल है, उधर सप्लाई डक्ट में जाएगा। रिटर्न डक्ट भी यहाँ दिया हुआ है और दो केबल आया हुआ है बीएमएस डीडीसी पैनल से। एक आपका कमांड दिया जाएगा और एक स्टेटस लिया जाएगा आपका फैन कॉइल यूनिट जो है रन हो रहा है कि नहीं, उसका स्टेटस लेने के लिए एयर फ्लो स्टेटस जो है वो। और ये जैसे आपको दिख रहा है ये टू कोर वाला दो केबल आया हुआ, ये आर्मर केबल है और सेटल करते हुए लेके आया है। और यहाँ पर देखिए एचयू का जो ये सॉरी एफसीयू का जो ये ब्रश बॉल वाल्व आपका आउटलाइन में दिया हुआ है, और ये आपका वाल्व है टू वे वाला जो 230 से ऑपरेट होगा। ये जो है आपका लिखा हुआ वाटर आउटलेट वाल्व आपका हर एचयू हो गया सीएसयू एफसीयू जो भी यूनिट है आउटलेट में ये कनेक्शन होता है। इधर भी है कि आपका बॉल वाल्व दिया हुआ है और ये सब मैनुअली ऑपरेट होता है। यहाँ ये जो लिखा हुआ है इनलेट वाला है, नीचे में आपका जो पानी वगैरह गिरेगा ड्रेन आउटलाइन वाला ये पाइप लगाना पड़ेगा, बाहर तरफ निकालना पड़ेगा। और ये जो है आपका ऊपर में कंट्रोल रिले मॉडल यहाँ पर इंस्टॉल होगा जो अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। और ये पावर सप्लाई ऊपर में जो दिख रहा है ना 230 वाला पावर सप्लाई है, सिंगल फेज एंड न्यूट्रल, बस टू कोर वाला केबल आएगा उसी से ऑपरेट होगा। लेकिन बीएमएस सिस्टम में पैनल का या डायग्राम बना हुआ है और ये आपका कैपेसिटर है जो मोटर को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ता है कैपेसिटर, तो उसको ढक के सेफ्टी के साथ लगाए। और पैनल बॉक्स ये है आपका जो इसमें मॉडल का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, मॉडल नंबर दिया हुआ है, फ्लो वॉल्यूम जो है, कूलिंग कैपेसिटी है, हैवी कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी, पावर सोर्स, रेटेड करंट, रेटेड इनपुट, वेट कितना है, ये सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और तो लगभग देखिए 1.6 एम्पियर का था आपका करंट। और ये है अंदर का टर्मिनल ब्लॉक, इसमें क्या कनेक्शन होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। और भी टर्मिनल ब्लॉक दिया हो क्योंकि आपका फील्ड में वाल्व है तो उसको इसलिए पावर चाहिए। और ये जो दिख रहा है आपका ऑरेंज ब्लू और येलो, ये थ्री स्पीड का है। ये आपका फर्स्ट में जो है आपका बायां तरफ हाई स्पीड ऑरेंज कलर, फिर मिडिल वाला जो है आपका ब्लू कलर का, ये मीडियम स्पीड, और दाहिने तरफ जो है येलो स्पीड है। उसके बाद जो है आपका वाल्व का पॉइंट दिया हो तो वहाँ कनेक्शन होगा और 230 नीचे इनपुट देना होगा। और जो लाल दिख रहा है ये केबल जो है इसमें न्यूट्रल देना है, ये मार्किंग दे दिया है न्यूट्रल का। और लाइट इसमें कनेक्शन होगा, लाइट को कनेक्शन करके लूप करके ले आइए, इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका सारा डिटेल्स हो गया, कलर वगैरह यहाँ पर कोई मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए जो मार्किंग दिया होता है उस तरह का नहीं, अपने हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। और इसका डायग्राम भी देख लीजिए, वायरिंग डायग्राम जो है ये देख लीजिए। मोटर जो दिया हुआ आर्थिंग का दाहिने तरफ है येलो ग्रीन कलर का, और येलो जो है आपका दिया हुआ उसके बाद ब्लू, उसके बाद जो है ऑरेंज। तो येलो जो है आपका यहाँ पर लो स्पीड के लिए, ब्लू जो है मीडियम स्पीड, और ऑरेंज जो है हाई स्पीड के लिए। ये तीनों हो गया, देख लीजिए ऑरेंज हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड है। और उसके बाद वाल्व के लिए दिया है, आरएच के लिए भी दिया है, आरएच यदि कनेक्शन करना चाहते हैं। और न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, और लाइट का पॉइंट भी यहाँ दिया हुआ है जो वाल्व में आपको 230 चाहिए उसके लिए दिया हुआ है। और भी टर्मिनल ब्लॉक इस पर दिया हुआ है। देखिए कनेक्शन आपका थ्री स्पीड में चलेगा तो थ्री स्पीड का स्विच आपको इंस्टॉल करना होगा। तो थ्री स्पीड आपका जो स्विच आता नहीं, एक तो सिलेक्टर स्विच आपको लाना होगा, सिलेक्टर स्विच द्वारा आप कर सकते हैं, या आपका थर्मोस्टेट जो थ्री स्पीड वाला जो थर्मोस्टेट जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, एक दो वीडियो बना दिया हो थर्मोस्टेट के बारे में, उसे तीन स्पीड में कैसे ऑन किया जाता है, तो उस तरह का थर्मोस्टेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ करके चला सकते हैं थ्री स्पीड में, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेशन के लिए हमारा जो डीडीसी पैनल से केबल आया हुआ है दो टू कोर का, एक कमांड देना है और एक डीपीएस इंस्टॉल करना है, तो उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो कमांड देंगे डीडीसी पैनल से और बीएमएस पैनल से, तो खाली हाई स्पीड में ये रन होगा। जब मैन्युअली आपको ऑपरेट करना है तो थर्मोस्टेट के द्वारा आप कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हो जाएगा और डीटीसी पैनल सिस्टम से भी हो जाएगा। तो ये आपका सारा डिटेल्स दे दिया। अब चलिए डायग्राम को भी दिखा देते हैं, इस बिल्डिंग का जो इस यूनिट का डायग्राम हमारा जो बना हुआ है बीएमएस का, उसको भी चलिए देख लेते हैं। अभी जो डायग्राम आता है तो ज़्यादातर हार्ड कॉपी में नहीं आता, सॉफ्ट कॉपी में रहता है आपका, जैसे जानते होंगे कार्ड रीडर हो गया आपका, गूगल ड्राइव हो गया, फिर आपका आयो समारी जो है एक्सेल में दिखाया जाता है। तो सारा चीज़ फ़ोन में ही रहता है, फ़ोन के द्वारा चेक करके सारा चीज़ काम करना पड़ता है। पहले क्या होता था, कागज़ का ड्राइंग मिलता था, कागज़ का ड्राइंग साथ में लेके घूमते रहते थे, फिर वो उसी ड्राइंग को देख के काम करते थे। अभी क्या फ़ोन में आ जाता है। ये आपका सप्लाई डक्ट है, अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है, ये जो बाएँ तरफ दिख रहा है, इधर कॉइल से हवा आपका बाहर निकलेगा, जो फैन का ब्लोअर है वो हवा निकलेगा। और ये जो है आपका ये फिल्टर सेक्शन है, ये जो है ये इसको कवर से क्लोज करके रखा है, जो बहुत ही ज़रूरी है, ना तो डस्ट वगैरह घुस के गंदा हो जाता है बहुत, तो इसलिए कवर क्लोज करके रखा है। अब जब कभी इस तरह का काम कीजिएगा एचवीएसी का, तो ये ज़रूरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थ्रेड रड चार को देके इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पर जो थ्रेड रड है आपका 10 mm वाला दिया है, चार पीस उधर एक और राइट साइड एक दिया हुआ है, चार को देके इसको हैंगिंग कर दिया सीलिंग में। फैन कॉइल यूनिट जो है सीलिंग में इंस्टॉल किया जाता है। तो आगे मैं ड्राइंग, तो चलिए आपको ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी देता हूँ। तो एफसी यूनिट में टू कोर वाला दो केबल आया है, एक डीओ का पॉइंट है, एक डीआई का पॉइंट है। डीओ का कमांड आएगा और डीआई का आपका स्टेटस, एफसी यूनिट जो है ये ऑन है कि नहीं, वहाँ पर डीपीएस इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइंग को ओपन करते हैं,
यहाँ पर देखिए ए लोकेशन पे दिया गया है, जो मैंने आपको एफसीयू यूनिट दिखाया हूँ, ठीक है। ये आपको जैसे दिख रहा है एफसीयू फैन ऑन ऑफ कमांड वन रन ऑफ टू कोर, ये ड्राइंग दिया हुआ रहता है, इस तरह का बना हुआ रहता है, कैड रीडर में ये शो होता है। एक रन हो रहा है, टू कोर केबल आएगा एफसीयू यूनिट में, तो फैन कोयल यूनिट पैनल जो यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा उसमें कनेक्शन होगा। लेकिन फैन कोयल यूनिट वहाँ पर पावर सप्लाई दिया हुआ था, और नीचे में बताया गया कि थर्मोस्टेट एक लगाएगा, लेकिन कुछ कंडक्ट वगैरह या कटिंग चिपिंग नहीं हुआ था, और आपका पावर सप्लाई ऊपर में दिया हुआ था, तो पैनल तो वहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो डीओ का एक ही पॉइंट आया हुआ है, तो एक ही कनेक्शन होगा आपका सीधा रिले द्वारा, और बाद में कुछ चेंज वगैरह करेगा तो देखेंगे, और एक ही स्पीड में आपका रन होगा, हाई स्पीड में आपका ऑटो में जब रन करेंगे तो हाई स्पीड में ही रन होगा, क्योंकि अगर थ्री स्पीड में देंगे तो तीन टू कोर का केबल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही के लिए ड्राइंग में दिया है, तो बताया गया कि हाई स्पीड में ही रन होगा, अगर यदि कम स्पीड चाहिए तो मैनुअल आप थर्मोस्टेट द्वारा ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है डक्ट में, ये जो आपका एचयू का फोटो दिया हुआ जैसे दिख रहा है, और डीपीएस आपका सप्लाई डक्ट में इंस्टॉल होगा, सप्लाई डक्ट जो है वहाँ पर इंस्टॉल होगा। और यहाँ पर देख लीजिए एफटी फायर डंपर यहाँ दिया हुआ है, तो फायर डंपर ये आपका बीएमएस से नहीं है, फायर डंपर जब आपका ट्रिप होगा तो ऊपर में आपका एक कंट्रोल रिले मॉडल इंस्टॉल किया हुआ है फायर रिले का, तो वहाँ से ये स्टेटस बताएगा फायर पैनल में, ये ट्रिप हो गया तो ट्रिप के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए एफसीओ रन स्टेटस वन रन टू कोर, ये डीपीएस इंस्टॉल होगा, ठीक है। और चलिए डीडीसी पैनल में आपको दिखाते हैं, इतना दूर तक आपको केबलिंग करके आना लाना पड़ेगा। और जो डीडीसी है यहाँ पर देखिए पूरा केबल आया हुआ है, ये देखिए डीडीसी थ्री है, थ्री नंबर, तो थ्री नंबर डीडीसी जो है उसका जो कंट्रोल वगैरह जो है उसको भी दिखा देते हैं आपको। डीडीसी थ्री जो है ये वाला है, डीडीसी थ्री यहाँ पर जो है डीडीसी थ्री दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है फैन कोयल यूनिट जो है यहाँ पर जो बता रहा है ऑन ऑफ कमांड डीओ यानी कि कमांड आएगा, खाली एक ही स्पीड में ये रन होगा, हाई स्पीड में, और वन रन टू कोर और रन स्टेटस बताएगा, जो डीआई एडीपी स्विच इंस्टॉल होगा। तो डीआई डीओ पॉइंट जानकारी हो गया, पैनल का लोकेशन दिखा दिया, पैनल भी दिखा दिया, और आपका डीडीसी थ्री आपका आईपीसी फाइव से कम्युनिकेशन आएगा, और भी बाकी सब है। तो रन होकर आपका केबल जो डीडीसी पैनल जो एचयू रूम है उसी रूम पे कंट्रोलर में जाके कनेक्शन होगा। और इस फ्लोर में देखिए और भी बहुत सारा दिया हुआ है, ये आगे में जानकारी देते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, तभी आप बीएमएस का जानकारी ले सकते हैं। और एचवीसी भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ साथ में, ताकि कोई एचवीएसी वाला जो है उन लोग को भी थोड़ा जानकारी रहे, क्योंकि बीएमएस का जितना भी वीडियो वगैरह देखते हैं ज़्यादातर मेरा जो देखने वाला है एचवीएसी का ही लोग देखते हैं।